ओह माय गॉड, क्या कैप्टन अमेरिका कभी रिटर्न होंगे? तो गाइस, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्रिस इवांस यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका कभी रिटर्न होंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में या नहीं? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कैप्टन अमेरिका एवेंजर एंड गेम में ओल्ड हो चुके थे टाइम ट्रेवलिंग कर और उन्होंने अपनी शील्ड को दे दिया था फैल्कन को। अब अपकमिंग टीवी सीरीज आ रही है डिज्नी प्लस की, जिसका नाम है फैल्कन द विंटर सोल्जर, और उसमें जो मेन कास्ट होने वाले हैं वो हैं हमारे फैल्कन यानी कि माइकी। उन्होंने अभी हाल ही में रिसेंट में एक इंटरव्यू दिया IMDb में, जिसमें कि उन्होंने रिवील्ड करा और छोटी सी हिंट दी कि हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं क्रिस इवांस यानी कि कैप्टन अमेरिका। उनसे एक क्वेश्चन पुट अप करा गया जिसमें कि उन्होंने छोटी सी हिंट दी कि हाँ, हमें ऑन द स्टेज देखने को मिल सकते हैं क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी हाल ही में एक और अपडेट आया था कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर भी रिटर्न हो रहे हैं डिज्नी प्लस की टीवी सीरीज में आयरन हार्ट में अब कैप्टन अमेरिका का। तो मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ, आप कितने खुश हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वॉन्ग कंफर्म हो चुके हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में आ रहे हैं और ये काफी कमाल की बात है क्योंकि पुराने कैरेक्टर दोबारा से रिटर्न हो रहे हैं अपनी अपनी सोलो मूवीज में, जो कि काफी बड़ी बात है। उसी के साथ एक और चीज का अपडेट पता चला है कि फाइनली जोकर बैटमैन मूवी में नहीं होगा और वो कोई भी फेस ऑफ नहीं करेगा बैटमैन से, यानी कि आने वाली 3 सीरीज में हमें जोकर देखने को नहीं मिलेगा। टॉम हॉलैंड ने एक और चीज का खुलासा करा, वो बता रहे हैं कि स्पाइडरमैन को फ्यूचर में गे के रूप में दिखाया जा सकता है, बहुत ही अजीब सा लगेगा। वांडा विजन की शूटिंग कंफर्म हो चुकी है, वो है नवंबर के महीने से जॉर्जिया में और इसकी शूटिंग भी खत्म होने वाली है मार्च के महीने में 2020 में। ये रहा उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट जिसमें कि क्लियर बताया 11/4/2019 से 3/13/2020 तक इसकी शूटिंग फिनिश भी हो जाएगी, जो कि प्रोड्यूसर है हमारा डिज्नी। उसी के साथ फैंटास्टिक बीस्ट के जो मेन एक्टर हैं एडी, वो प्ले करना चाहते हैं, इंटरेस्ट जता रहे हैं रेडलर के रोल में, जो कि बैटमैन का मोस्ट ऑफ द विलेन बनने वाला है। आपने बबल बी मूवी तो देखी होगी जिसमें कि मेन लड़की थी जो कि उस कार की मदद करती थी जिसका नाम था बबल बी। तो फाइनली उस लड़की को कास्ट करा गया है हॉकआई की टीवी सीरीज में, जो कि डिज्नी प्लस की अपकमिंग टीवी सीरीज है। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि इसकी एक्टिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी उस मूवी में। उसके बाद रॉबर्ट पैटिंसन ने कंफर्म कर दिया बैटमैन मूवी के लिए कि अभी तो शूटिंग स्टार्ट हुई नहीं है, फिर भी मैंने कॉस्ट्यूम को ट्राई करा, देखा काफी अच्छा डिजाइन करा गया और मूवी में इसे और बेटर बना दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है हम फैंस के लिए कि हाँ, काम स्टार्ट हो चुका है। टैंक गर्ल को रिबूट करा जा रहा है जिसमें कि मार्गरेट रॉबर्ट को कास्ट करा गया है, जो कि हार्ली क्विन का रोल प्ले करती हैं। उसी के साथ डीसी यूनिवर्स का काफी बड़ा प्रमोशन चल रहा है जोकर मूवी का, देख सकते हो स्क्वायर फोर्स का कितना बड़ा बैनर लगाया गया जोकर का, इससे बड़ा पहले मैंने देखा था एवेंजर एंड गेम का और फाइनली इतना बड़ा देख रहा हूँ मैं जोकर मूवी का, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसी के बाद पावर स्टार 15 के डायरेक्टर को इंटरेस्ट आ रहा है मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग मूवी के लिए, वो चाहते हैं कि मुझे कोई मूवी मिले जल्द से जल्द। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।